हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी मेरी तरह कटिंग से पौधे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि मई जून की इतनी जो तेज़ हीट है ना, उसमें भी आप इन पौधों को इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ दिनों पहले ये रबर प्लांट बंदर तोड़ गए थे। इसकी कटिंग मैंने ऐसे ही, ये जो मनी प्लांट है उसके गमले में लगा दी थी, जो सक्सेसफुली ग्रो हो चुकी है। जब मुझे ऊपर दो हेल्दी इसमें ग्रोथ नज़र आई, दो लीव्स आ चुकी हैं, तब मैंने देखिए इस कटिंग को वहाँ से मूव किया है। देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसकी डेवलप हो चुकी हैं। तो आप इजीली इस समय रबर प्लांट को मई जून के महीने में भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सकलेंट फैमिली से होता है, इसमें सैप होता है, तो जब भी इसकी कटिंग इसे काटे ना कहीं से, तो उसमें से वाइट वाइट सा जो दूध सा निकलता है। तो आप एक दिन के लिए छोड़ दें, उस कटिंग को सूखने दें थोड़ा सा, और एक दिन के बाद किसी भी वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल मिक्सर में लगाइए। या मेरा तो सबसे मेन जो फेवरेट जगह है कटिंग्स लगाने की, इसी तरह पुराने जो पॉट की सॉइल जो सेटल हो चुकी होती है उसी में मैं साइड से लगा देती हूँ। तो अभी देखिए, ये मैंने इसे ट्रांसप्लांट कर दिया है। और इसी तरह आप पोथोस की सारी कटिंग्स आप इस समय लगा सकते हैं। और मैं बाहर गई थी, आपके साथ शेयर किया था फाइलोडेंड्रोन, देखिए पोथोस की तरह इसमें भी एरियल रूट्स होती हैं। तो ओवर वाटरिंग की वजह से, अंडर वाटरिंग की वजह से बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हुए हैं। और ये वाला तो शायद गमला गिर गया था, तो ये देखिए ऊपर से ऐसे ही रखा हुआ था, तो लेकिन अभी भी ये बचा है क्योंकि एरियल रूट्स की वजह से ये मॉइस्चर थोड़ा सा लेता रहा है। तो होपफुली ये चल जाएगा, तो इसे भी मैं लगा दूँगी। तो जितने भी अगर आपको फाइलोडेंड्रोन्स मिल जाएँ और एरियल रूट वाले में सिंगोनियम होता है, सिंगोनियम हो गया, पोथोस हो गया, फाइलोडेंड्रोन्स हो गए, और मॉन्स्टेरा के वैराइटीज़ जितनी भी हैं, आप इजीली उन्हें, तो क्योंकि एरियल रूट्स होती हैं तो उन्हें तो कुछ भी नहीं करना है, लाके लगा दीजिए। और अभी मैं दिखाऊंगी जो ब्रोकन हार्ट होता है, उसे आप इजीली इस समय किसी भी समय कटिंग से लगा सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपकी को इनकी कटिंग्स मिल जाएँ तो ज़रूर आप इनकी कटिंग लगाएँ। और आज वैसे मेरा मेन टॉपिक है जो कलरफुल प्लांट्स जितने होते हैं ना, 12 महीने कलरफुल बने रहते हैं, तो उनमें कोलियस एक बहुत ब्यूटीफुल और सस्ता प्लांट है। तो देखिए नीचे की तरफ से इसका जो स्टेम था वो सड़ चुका था, और लेकिन ऊपर हेल्दी बना हुआ था। तो इसमें जितने भी मेरे पास कोलियस की वैरायटी है, उसमें ये वाला, ये जो कोलियस की वैरायटी है वो सिर्फ एक प्लांट बचा है, बाकी सब में 2-3 प्लांट बचे हैं। तो मैं इसकी भी कटिंग आज लगा दे रही हूँ। कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आप इजीली पौधों को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और किसी कारणवश एक पौधा ख़राब भी रहता होता है तो आपके पास दूसरा पौधा हमेशा मौजूद रहेगा। और आप एक ये प्लांट देखिए, सिंचेजिया का जो मदर प्लांट था वो ख़राब हो चुका था जब मैं बाहर गई थी, लेकिन लकीली इसकी कटिंग लगी हुई है। और अभी जब मैं इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ सूखा समझ के, तो मुझे इसकी स्टेम ग्रीन नज़र आ रही है। तो देखते हैं इसमें नई ग्रोथ आती है कि नहीं, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास एक प्लांट इसका कटिंग से ग्रो किया हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास सिंचेजिया जो प्लांट है वो जा चुका है मेरे एडिशन से, क्योंकि मैं हमेशा इसीलिए और भी हर प्लांट की कटिंग लगाती रहती हूँ, शेयर भी करती रहती हूँ और अपने पास मल्टीप्लाई करके रखती भी रहती हूँ। तो इस सिंचेजिया की जो कटिंग थी वो मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है, और उसके साथ साथ मैं आज इसकी फिर से कटिंग लगा दूँगी। तो देखिए मैं इसकी कटिंग ले रही हूँ। कटिंग का वही ध्यान रखना होता है, नोड वाला एक पोर्शन लेना होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, उस पॉइंट को नोड कहते हैं, उसको लेके मैं एलोवेरा में जस्ट डिप करके लगा देती हूँ। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन हो तो आप रूटिंग हार्मोन में डिप करके लगाइए, वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में। मई जून की गर्मी में जब आप कटिंग लगा रहे हैं तो सिर्फ ध्यान ये रखना है कि एक हफ्ते तक ये डायरेक्ट धूप के कॉन्टैक्ट में ना आए, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए इन्हें जितनी भी कटिंग लगा रहे हो। अब जैसे अल्टरनेंद्रा लगाइए, शफलेरा लगाइए, पर्पल हार्ट, चाइनीज़ वॉयलेट, जितने भी प्लांट मिल जाएं गर्मियों में ग्रो करने वाले, बोट लिली, डेबल्स बैकबोन, सब की कटिंग आप ज़रूर लगाइए। आपके पास प्लांट हो तब भी उसे मल्टीप्लाई करते रहिए,
और उसका रीज़न भी मैंने बता दिया है। और आपके पास कोई नहीं हो तो उसे तो आपको ऐड करना ही है कटिंग से। तो इन सभी पौधों को, ये हो गई वन रिंग जू की भी कटिंग लगाते रहिए। देखिए मैं कटिंग लगाई थी और ये अच्छी तरह से ग्रो हो रही हैं, एज ए मल्चिंग भी लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए पोथोस की कटिंग जो मैंने पानी में रख रखी है, सब बहुत अच्छे से चल रही हैं। और पास में ही है एक ब्रोकन हार्ट जो मैंने ऑलरेडी कटिंग से ही लगाया हुआ है अपने पास, मैंने कटिंग से ही इसे ऐड किया है। मेरी बहन के घर में था, वहाँ से मैं लेके आई थी, तो मैं ऐसे लाते ही रहती हूँ प्लांट। और अब ये मेरे पास दो प्लांट ऑलरेडी बन चुके हैं और मैं मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। पानी में ऑलरेडी दो कटिंग रखी हुई हैं, अभी मैं इसको फिर से कट करने की सोच रही हूँ। तो इस तरह से आप एक बार प्लांट ला के मल्टीप्लाई करते रहिए। एक स्पाइडर प्लांट से मेरे पास अब बहुत सारे स्पाइडर प्लांट्स बन चुके हैं, मैं बहुत शेयर कर चुकी हूँ। आप ज़रूर जो भी प्लांट आपके पास हो, कम से कम दो से तीन प्लांट मल्टीप्लाई करके उसे ज़रूर रखिए। देखिए स्नेक प्लांट को भी कटिंग से ग्रो किया है, जो पत्ती लीफ से ही सिंपल लीफ कट करके लगा दीजिए तभी ग्रो हो जाता है। और ये देखिए ये एक कोलियस ख़राब हो चुका है, पता नहीं चलता है। जब भी बाहर चले जाओ ना, हमें एक आइडिया हो जाता है किस पौधे को कितना पानी चाहिए होता है। और अब इस प्लांटर का हाल देखिए, ये सूखा हुआ है, तो इतनी गर्मी में अगर सूखा रहे तब भी स्टेम सूख जाती है। और ओवर वाटरिंग से भी कई प्लांट चले जाते हैं, तो बस ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग जहाँ ही हमारे प्लांट्स में हुई, हमारा प्लांट सफ़र करने लगता है। तो इसीलिए आप मल्टीप्लाई ज़रूर करते रहिए पौधों को। और ये देखिए ड्रेसिना की हालत, ये भी पूरा सूख चुका है एक पौधा। तो ये इसकी जो तीन मतलब स्टेम थी, तीन में से मुझे लग रहा है कि एक जो है वो गल चुकी है ओवर वाटरिंग की वजह से, बाकी दो स्टेम थोड़ी सी ठीक नज़र आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है, होपफुली ये चल जाएगा ये प्लांट भी। तो अभी मुझे सिर्फ यही ध्यान देना है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है और पानी तभी देना है जब टॉप सॉइल मुझे थोड़ी ड्राई नज़र आए। और थोड़ा सा फंजीसाइड मैं ज़रूर इन पौधों को दूंगी, जिससे इनकी जो रूट्स है ना वो गल के ख़राब ना हों।